तो ये देखो प्यारे बच्चे, ये वाला सवाल देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। जो प्रिज्म आपको दिख रहा है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास यहाँ से √3 दिया हुआ है। तो एक रे यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो जब परपेंडिकुलर डाला है तो ये वाली जो रे है वो यहाँ से परपेंडिकुलर तो आएगी, ये भी एंगल क्या होगा 90 होगा, लेकिन ये यहाँ से परपेंडिकुलर आएगी, इसको चले जाने चाहिए था ऐसे, पर ये ऐसे जाएगी नहीं यार, बिकॉज़ यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल है तो ये रे अब किधर जाएगी, रे यहाँ से आएगी, यहाँ से ऐसे आएगी और इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसे कुछ जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, द रे विल ट्रेस समथिंग लाइक दिस। तो ये वाली जो एंगल है वो एंगल ऑफ इमरजेंस है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये 90 है, ये वाली एंगल कितनी है 90 है, ट्राइंगल में आ जाओ तो ये एंगल इस ट्राइंगल में कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और ये जो छोटू ट्राइंगल है ये इसमें 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो अगर ये 60 डिग्री हो गया और ये वाली एंगल 9 नॉर्मल है इस पर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 90 है। तो अब यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू साइन थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो यहाँ से प्रिज्म के अंदर लगाओगे तो म्यू और साइन, यहाँ से साइन आई, और प्रिज्म के बाहर जाओगे तो साइन ई और म्यू एयर का 1। तो म्यू यहाँ से √2 और साइन आई यहाँ से 30 डिग्री रख दो, और यहाँ से साइन ई तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, तो ये √2 साइन आई की जो वैल्यू है वो यहाँ से तुम देखोगे। एक मिनट, अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ये नॉर्मल है, तो ये यहाँ से 90 है और ये 60 है, तो ये एंगल हाँ 30 है बिल्कुल। तो यहाँ से एक्चुअली √3 था, ये वाली जो वैल्यू थी वो √3 था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखना √3 है, ये √2 नहीं √3। और साइन बाई 1/2, दिस इज द साइन एंगल ऑफ इमरजेंस ई, तो √3/2 दैट इज साइन ई एंगल ऑफ इमरजेंस, और √3 मतलब 60 डिग्री की वैल्यू होती, तो एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये अपना बी ऑप्शन सही हो जाता है।